नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य में कोरोना को हराने में हम लगातार सफल हो रहे हैं, लेकिन खतरा बरकरार है। इस महामारी के खिलाफ हमें जो सफलता मिली है उसका श्रेय कोरोना योद्धाओं के अथक प्रयास, संघर्ष एवं अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना राज्यवासियों की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछार कर देने की भावना से मिली है। इस दौरान कई परिवारों ने अपनों को खोया और कई कोरोना सेनानियों ने जान की बाजी लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण को दोबारा पांव पसारते देखा जा रहा है, यह हमारे लिए वाकई खतरे की घंटी है। सीएम ने कहा है कि पूरा झारखंड उनका परिवार है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 30% तक बारिश होने की संभावना है। रांची, गढ़वा, पलामू समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में बारिश हुई। कुछ जगहों पर रिमझिम बारिश तो कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी अरब सागर में मौजूद है। इसी के प्रभाव से झारखंड में कुछ जिलों में आसमान पर बादल छाए रहने की संभावना है। बता दें, अगले 2 से 3 दिन तक बादल छाए रहने के अलावा हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय कारागार के 26 बंदी कर रहे हैं महापर्व छठ। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार में 26 बंदी महापर्व छठ कर रहे हैं। बता दें, बंदियों के द्वारा महापर्व छठ किए जाने को लेकर 1 क्विंटल 25 किलो आटा का ठेकुआ बनाया जा रहा है। जेल प्रशासन द्वारा सभी छठ व्रतियों को महापर्व करने में सभी तरह की मदद व सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस कार्य में जेल में मौजूद अन्य कैदी व बंदी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बाना गुप्ता ने गुरुवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार, एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वनल एवं जिला के अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। मौके पर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, एसडीओ धालभूम नीतीश कुमार सिंह आदि मौजूद थे। हथियारबंद अपराधियों को मार गिराने में पुलिस न करे संकोच, डीजीपी। डीजीपी एमवी राव ने गुरुवार को एसपी दुमका, एसपी अभियान सहित डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों के साथ एसपी कार्यालय सभागार में समीक्षात्मक बैठक की। इस अवसर पर डीजीपी एमवी राव ने बताया कि बेहतर कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को लेकर रूटीन बैठक है। पुलिस कर्मियों का कल्याणकारी सहित विभिन्न मुद्दे को लेकर गहन चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि अवैध हथियार से लैस अपराधियों के साथ कठोरता से पुलिस पेश आएगी। डीजीपी ने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे अपराधियों को गोली मार गिराने का काम करे जो कानून सम्मत कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस कार्रवाई से पीछे नहीं हटे और जरा भी संकोचित महसूस नहीं करे। सादगी से मनेगा झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस पहली बार समारोह केवल 200 मेहमानों की मौजूदगी में सादगी से 22 नवंबर को आयोजित होगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल, फेस मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 व्यक्तियों के बीच 2 गज की दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 2 से 2.5 घंटे का समारोह होगा। नवोदय विद्यालय के लिए 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन। जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी क्लास में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्रा 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बता दें, सत्र 2021-22 में नामांकन के लिए 10 अप्रैल 2021 को प्रवेश परीक्षा का निर्धारण किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र जो कि आवेदक और परिजन के हस्ताक्षर के बाद इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। झारखंड के 300 थानों में खुलेगा महिला हेल्प डेस्क। झारखंड में महिलाओं को निर्भया बनाने के लिए 300 थानों में निर्भया फंड से महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। राज्य सरकार के गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में प्रधान महालेखाकार से पत्राचार किया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने लिखा है कि केंद्रीय सेक्टर स्कीम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिला हेल्प डेस्क खोलने की अनुमति दी है। इसके लिए 3 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने 18 मार्च 2020 को योजना क्रियान्वयन के लिए विमुक्त की थी, लेकिन अब तक पैसा खर्च नहीं हो पाए हैं। बाल बाल बचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाल बाल बच गए हैं। वे नेतरहाट के दौरे पर थे। इस क्रम में उनका काफिला जैसे ही गुमला जिला के प्रखंड कार्यालय घाघरा परिसर से नेतरहाट जाने के लिए निकला, चांदनी चौक के पास उनके कारकेड की ही गाड़ी आपस में भिड़ गई। इससे मुख्यमंत्री बाल बाल बच गए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री जिस वाहन
पर सवार थे। उसके दो वाहन पीछे वाले एक स्कॉर्पियो ने ऑडी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। रांची में छठ पूजा को लेकर पुलिस बल की तैनाती। छठ पूजा में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश जारी किया है। इसमें छठ पर्व के दौरान 20 और 21 नवंबर को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में सभी अंचल अधिकारी, सभी थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र के घाट का औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं बुड़ू को अपने अपने क्षेत्रों में सभी पूजा समितियों को मुख्य सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कोडरमा में सड़क दुर्घटना में एक महिला समेत दो की मौत हो गई है। रिम्स के विद्यार्थियों को अब निजी चिकित्सक भी पढ़ा सकेंगे, जिससे शिक्षा और बेहतर होगी। 20 नवंबर को होने वाला बाल अधिकार दिवस के लिए एक सप्ताह का कार्यक्रम तय किया गया है, जो कि ऑनलाइन मनाया जाएगा। झारखंड के संथाली भाषा के विद्वान, शिक्षाविद और पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। खूंटी के तोरपा थाना अंतर्गत PLFI के दो उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार के गाइडलाइन का पालन कराने के लिए छठ घाटों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी, जिसे लेकर उपायुक्त छवि रंजन और SSP सुरेंद्र झा ने आदेश जारी कर दिया है। छठ महापर्व को लेकर शराब और मांस मछली के बिक्री पर रोक लगाने को लेकर संजय पोद्दार ने प्रशासन से मांग की है। झारखंड के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पार करने में साड़ी फंसने से एक महिला की जान चली गई है। बता दें कि महिला रेलवे लाइन पार कर रही थी, इसी बीच साड़ी ट्रैक में फंस गई। इसी बीच ट्रेन आ जाने के कारण मौत हो गई। हजारीबाग के चैपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर दो वाहन समेत अवैध शराब जब्त किया गया है। झारखंड में 230 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो रांची से 66, पूर्वी सिंहभूम 33, धनबाद 17, बोकारो 30, पश्चिमी सिंहभूम 13, रामगढ़ 6, हजारीबाग 2, सरायकेला 8, देवघर 10, गिरिडीह 5, पलामू 10, गढ़वा 14, गुमला 5, सिमडेगा 3, लातेहार 1, लोहरदगा 3, साहेबगंज 1, चतरा 2 और जामताड़ा से 1 से जिलों से 0 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 106,972 है, जबकि 103,435 लोग स्वस्थ हुए और 937 की मृत्यु हो गई है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 90,04,325 है, जबकि 84,27,116 लोग स्वस्थ हुए और 132,202 की मृत्यु हो गई है। भारत में नए केस 46,185 मिले हैं। भारत में एक्टिव केस 4,43,078 है, जबकि झारखंड में एक्टिव केस 2600 शेष बचे हैं। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक यू।